यसु, खुदा की जात का नक्श उसके जलाल का परताव है। यसु अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा, अल्फा और ओमेगा है। यसु कदीम उल अय्याम है, वो अजली और अबदी है, वो जो था, जो है और जो आने वाला है। यसु कायनात बनाने वाला और संभालने वाला अजली कलिमा है। जब कुछ ना था यसु तब भी था, जब कुछ ना रहेगा यसु तब भी रहेगा। यसु कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। दुनिया की तारीख यसु के गिर्द घूमती है। यसु आसमान जमीन नबी और रसूलों फरिश्तों समेत तमाम मखलूकात का खुदाए महमूद है। यसु वो है जो आदम से लेकर यौम अदालत तक हर एक ईमानदार और बरगुजीदा जिसका मुंतजिर है और रहेगा। अब्राहम भी उसके दिनों को देखने का मुंतजिर था, इससे पहले कि अब्राहम था, यसु है। यसु बादशाहों का बादशाह, खुदामंदों का खुदामंद है। यसु जलाल और हशमत, कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज्जत, शुक्र, तमजीद, परस्तिश और हम्द के लायक खुदा है। दुनिया में कोई ऐसा तराजू नहीं जो यसु की कुदरत, इख्तियार और अजहद भारी जलाल को तोल सके। दुनिया में कोई ऐसा पैमाना नहीं जो यसु की मोहब्बत, रहम, कर्म और तर्ज की हदों को माप सके। दुनिया में कोई हस्ती ऐसी नहीं जो उसके ख्याल और इरादे को परख सके। दुनिया में कोई नहीं जो उस पर गुनाह साबित कर सके। यसु खुदा का बेटा है, वो गुनाहगारों का निजात दहिंदा है, वो लासानी है, उसके जैसा ना कोई था, ना है और ना होगा। वो कमजोरों की ताकत, गरीब, यतीम और बेवा के हक का मुहाफिज है। यसु आजमाइश में फंसे हुओं का मुस्तहिद मददगार है। वो तो आग की भट्टी में लाजादे की सूरत उतर जाता और बचा लेता है। वो बीमारों को शिफा देता, अंधों को आंखें देता, गूंगे बहरों को बोलने सुनने की ताकत देता, लंगड़ों को चलाता, मफलूजों को बहाल करता, बदरूहों को निकालता, कोरियों को पाक करता और मुर्दे जिंदा करता है। वो कहे तो पानी मैं बन जाता है, वो हुक्म दे तो समुंदर, तूफान, आंधियां थम जाते हैं, वो कहे तो दरख्त और पहाड़ जगह छोड़ दे। वो गुनाहगारों को माफ करता, वो कैदियों को आजाद करता, वो हिकमत का चश्मा, वो निजात का दरवाजा, वो जिंदगी की रोटी, वो जिंदगी का पानी, वो दुनिया का बदीनूर, वो राह, हक और जिंदगी है। कयामत और जिंदगी वो है, अच्छा चरवाहा वो है जो भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। वो अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। उसके कहने बल्कि इरादा कर लेने से सब कुछ हो जाता है। उसका जुआ हल्का और मुलायम है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कोई उसका वजूद, उसका ख्याल और उसका नक्श मिटा नहीं सकता। उसे कायम रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं, लेकिन कायनात उसके बगैर कायम नहीं रह सकती। हेरोदेस उसे मार ना सका, फरीसी उसका मुकाबला ना कर सके, पिलातुस उसमें जुर्म ना पा सका, मौत और कब्र उस पर गालिब ना रह सके। वो मर गया था, मौत और कब्र पर फतह पाकर जी उठा। उसने इब्लीस के सर को कुचला और उसके कामों को मिटाया। वही है जो सबको आखिरी दिन फिर जिंदा करेगा, वही है जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर उसके पास है। हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यसु मसीह खुदावंद है, और वो भी जिन्होंने उसे छेदा था उस पर निगाह करेंगे और छाती पीटेंगे कि हमसे ये क्या भूल हो गई, हमने इसको क्या जाना। दुनिया की जुबानों में, दुनिया की किताबों में, आलिमों के सहनों में कोई लफ्ज ऐसा नहीं कि जो यसु की शान को पूरे तौर पर बयान कर सके।